हेलो हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने एम पी थ्री पर थंबनेल कैसे लगाते हैं, ठीक है? वो भी एंड्रॉयड फ़ोन से, अपने मोबाइल से, ठीक है? तो उसको हम कैसे लगाएंगे, तो चलिए हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। और कौन सा ऐप्स से लगाएंगे, ठीक है? उस ऐप्स का डाउनलोड लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? और किस तरह से हम उसमें लगाएंगे, उसके लिए हमारे इस वीडियो को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? तो उससे पहले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है? ऑल पे क्लिक करने के बाद में आपको क्या होगा कि जब जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है? तो चलिए फटाफट से हम लेते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन को अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, ठीक है? उसके बाद में मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है? तो सिंपली मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, हम इसको बैक करते हैं, कट करते हैं, लेते हैं अपने मोबाइल को स्क्रीन को, ठीक है? अपने पीसी के स्क्रीन पे, ठीक है? तो मेरा आ चुका है, इसको हम फुल कर लेते हैं, ठीक है? तो सिंपली चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, आप अपना प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए, ठीक है? प्ले स्टोर ओपन करने के बाद में सिंपली आप सर्च पे मारिए, सर्च कीजिए स्टार म्यूजिक टैग एडिटर, ठीक है? इस पर आप एक बार इसको सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद में सिंपली आप क्या कीजिए, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है? आप में इंस्टॉल नहीं होगा तो, ठीक है? इसका डाउनलोड लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है? वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? तो सिंपली डाउनलोड करने के बाद में आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है? इंस्टॉल होने के बाद में सिंपली हम यहाँ से बैक आते हैं। बैक आने के बाद में सिंपली क्या कीजिए, अपने अपने फाइल में चल जाइएगा, ठीक है? आप जहाँ भी सॉन्ग रखे हैं तो अपने फाइल में आ जाइएगा। फाइल में आने के बाद में सिंपली अपने फाइल में से सॉन्ग को बाहरी निकाल के इसमें पेस्ट कर दीजिएगा, बाहरी, ठीक है? बाहरी निकालने के बाद में सिंपली देखिए, मेरा ये सॉन्ग है, देखिए इसमें खाली नाम इसका वाई है, ठीक है? इसी सॉन्ग पे हम फोटो सेव करेंगे। देखिए उसके नीचे वाली में फोटो सेव है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ से बैक आते हैं। बैक आने के बाद में सिंपली हम जो इंस्टॉल किए थे उसको ओपन कर लेना है, ठीक है? तो सिंपली हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, आप में इस सॉन्ग पे सिलेक्ट रहेगा, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, अपना नेट बंद कर देता हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरा मोबाइल थोड़ा हैंग कर रहा है, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, नेट अपना बंद कर देता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग को बताता हूँ। ओके, ठीक है, मैं अपना नेट बंद कर लिया क्योंकि मतलब थोड़ा फास्ट चलेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपने जो फोल्डर लिखा है यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस फोल्डर पे आप लोग को एक बार क्लिक कर देना है, ठीक है? सिंपली तो हम इस फोल्डर पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में सिंपली आप बाहरी सॉन्ग निकाल दिए होंगे तो आप में जीरो होगा, उसमें आया होगा स्टोरी में, ठीक है? नहीं तो आप किसी फोल्डर में रखे होंगे तो आपको फोल्डर यहाँ शो करेगा, ठीक है? तो सिंपली मेरा इसमें है सॉन्ग, तो इसमें हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है? सिंपली क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है? तो आपको क्या करना है, हम बताए थे इस सॉन्ग को, जो उसका सॉन्ग का टाइटल था सिर्फ वाई था, ठीक है? आप लोग देख रहे होंगे, तो हमको इस पर एक बार क्लिक कर देना है, ठीक है? क्लिक करने के बाद में आप लोग को कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोग को दिखाई देगा, ठीक है? तो सिंपली आपको क्या करना है, इस तीन नंबर वाली पे आप लोग को एक बार क्लिक कर देना है, ठीक है? इस पर क्लिक करने के बाद में सिंपली आपको क्या होगा, अपने मोबाइल में जहाँ भी अपने इमेज रखे हैं, जो इमेज बनाकर थंबनेल बनाकर आप रखे हैं, उस थंबनेल को आपको एक बार क्लिक कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है मतलब, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, हम तो कोई अभी थंबनेल बनाए नहीं हैं, तो सिंपली हम इसी थंबनेल को जो बनाए थे अपने YouTube पे पोस्ट के लिए, तो इसी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? इस पर हम एक बार क्लिक कर देते हैं, ठीक है? सिंपली क्लिक करने के बाद में देखिए, मेरा थंबनेल आ चुका है यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद में आप यहाँ सॉन्ग का टाइटल डाल सकते हैं, ठीक है? नहीं तो ऑलरेडी जो आपका टाइटल है वहीं रहने दीजिए। आप यहाँ नीचे में अपने अपना साइट का नाम भी नाम डाल सकते हैं, ठीक है? तो सिंपली हम इसमें कुछ डाल देते हैं, ठीक है? कुछ लिख देते हैं, चलिए मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि मैं अपना कुछ नाम लिख देता हूँ, ठीक है? तो इसमें लिख देता हूँ, ओके, डीजे दीपूराज मैं लिख दिया, ठीक है?
आप नीचे में भी आप अपना मतलब एल्बम के नाम डाल सकते हैं, नहीं तो आप अपने अपना नाम डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ इसमें भी, ठीक है। ओके ठीक है, आप नीचे भी डाल सकते हैं एल्बम आर्टिस्ट, ठीक है। आप जो लिखना चाहे, मैं आप लोगों को डेमो के तौर पे आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। आप जो चाहे, आपका जो इच्छा वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख देते हैं, इसमें भी वही डाल लेते हैं, आप अपने इन अनुसार से आप डाल लीजिएगा, ठीक है। आप ये देखिए यहाँ ईयर सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। आप ये भी भरना चाहते हैं तो भर लीजिएगा, ठीक है, सिंपली, नहीं तो आप नीचे चले जाइएगा, ठीक है। इस कमेंट में आप लिख दीजिएगा, कमेंट में अपने बारे में कुछ लिख दीजिएगा, आपका जो मतलब आप डीजे सॉन्ग रिमिक्स करते हैं तो आप अपना नाम लिख दीजिएगा, अपना साइट का नाम लिख दीजिएगा, और अपना मोबाइल नंबर दे दीजिएगा कि मान के चलिए कोई अगर रिमिक्सिंग के लिए कांटेक्ट करना चाहे तो आपका नंबर यहाँ से उसको निकाल सकता है, ठीक है। तो आप डाल दीजिएगा, हम कुछ भी डाल देते हैं। ओके, उसके बाद में यहाँ आप जिससे भी रिमिक्स करते हैं उसका नाम डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी मेरा सेलेक्ट है, ठीक है, FL Studio। तो चलिए बस इतना ही सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में क्या करना है आपको, ऊपर स्क्रॉल करके आप लोग बढ़िया से आप लोग भर लीजिएगा, जो आपको लिखना इच्छा है, जो लिखने की इच्छा है वो आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। लिखने के बाद में मतलब लिख लेने के बाद में आप क्या कीजिए, सिंपली ऊपर लिखा है सेव, यहाँ पे देखिए इस सेव पे आप लोग को एक बार क्लिक कर देना है, ठीक है। सेव पे क्लिक करने के बाद में ये सेव हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये सेव हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, बैक कर देते हैं, ठीक है। चलते हैं हम अपने गैलरी में, देखते हैं सेव हुआ है या कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो सिंपली चलते हैं हम अपने गैलरी में, ओपन करते हैं और देख लेते हैं कि हमारा सेव हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। हम इसको माउस को थोड़ा साइड में कर देते हैं, ठीक है, और हम देख लेते हैं सेव हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सेव हो चुका है, यहाँ पे फोटो देखिए वाई लिखा है, ठीक है। तो इसी तरह सेव होता है, ठीक है। तो हम इस वीडियो के यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, ठीक है। अगले वीडियो में आपका कमेंट का सॉल्व बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो के यहीं पे समाप्त करते हैं।